गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 13 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि sec थीटा बराबर 13/5 है तो दिखाइए कि tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा बराबर होगा sin थीटा अपॉन sec थीटा के। देखो दोनों दिया हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्योंकि sec की वैल्यू है तो समकोण के तीनों भाग निकालो आप, है ना। तो देखो एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, यानी पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, हर हर भोले, ये होता है आपका साइन। देखो पहली वाली साइन कॉस टेन, फिर नीचे से कॉट से कॉस से, कैसे फॉर्मूला चलता है ना। एक समकोण बना लो यहाँ पर, समकोण, ये हमने समकोण बना लिया। समकोण में नाम रख दो आप, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब आपके पास देखो sec दिया हुआ है, तो sec थीटा बराबर दिया हुआ है उन्होंने 13/5। अब इससे आप देखो sec की वैल्यू क्या होती है, देखो sin cos tan cot sec, sec यानी h और b ये आपके पास दिया, देखो उल्टी वैल्यू चलती है, sin cos tan फिर cot sec, sec की वैल्यू h और b हमने लिख दिया। h हमारे पास, h क्या है, h को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, तो कर्ण हमारे पास हो गया 13। b यानी बेस, तो ये हो गया बेस, हमारा बेस हो गया 5। हमें लंब निकालना है, लंब यानी p, परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं। अब पाइथागोरस से निकाल लो आप, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, लंब हमें नहीं मालूम है तो लंब की जगह आप लिख दो BC का स्क्वायर, ये BC है ना, इसका स्क्वायर। आधार लिख दो आप 5 का स्क्वायर। अब BC को बाहर कर लो, BC और 13 का स्क्वायर, इधर देखो ये इधर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 स्क्वायर आप जरूर याद कर लेना। और जब कर्ण नहीं पता करते, दूसरा पता करते हैं तो माइनस करा जाता है, यानी 25 हो गया। अब BC बराबर में जब 69 में से आप 25 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपके पास 144, और 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, यानी आपको लंब मिल गया आपका 12। अब जो जो क्वेश्चन है पूछा है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ देखो tan पूछा है ना, तो tan थीटा निकाल लो, निकलेगा आपका देखो sin cos tan, tan की वैल्यू होती है PB, तो P और B, P हमारे पास कितना निकला यहाँ पर, P यानी लंब, तो 12 निकला, और B हमारे पास है 5, और दूसरा इन्होंने बोला है साइन की वैल्यू, साइन थीटा होता है हमारा पी और एच, पी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 12 और एच है हमारे पास 13, है ना, ये तो वैल्यू है सारी, और तो कुछ पूछना नहीं है। टाइन है, साइन की वैल्यू उन्होंने, सेक की वैल्यू उन्होंने खुद ही दे रखी है 13/5। अब फॉर्मूले पर रखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास देखो सबसे पहले है टेन थीटा, तो टेन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 12/5, ये 10 की वैल्यू हो गई। नीचे अपॉन में आपके पास है 1 और प्लस में 10 की वैल्यू कितनी निकली है, 12/5 है ना हमारे पास 10 की वैल्यू, तो यहाँ लिख दो 12/5, लेकिन उसका स्क्वायर है क्योंकि 10 के ऊपर, देखो यहाँ 10 के ऊपर ये स्क्वायर है ना आपका, यहाँ क्वेश्चन में देखो 10 के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर इक्वल इधर भी वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 12/13, और नीचे sec की वैल्यू है, sec की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी है यानी 13/5, ये sec की वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले इस स्क्वायर को सॉल्व कर लो, है ना, स्क्वायर को ऊपर वैसे ही लिख दो, यानी 12/5, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा आपके पास, ऐसे एम्प्लॉई जेड का सिंबल लगा दो जिससे जहाँ से नया शुरू कर रहे हो वहाँ से पता चल जाए। तो यहाँ हो गया देखो 1, और ये आपके पास प्लस में देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144, और नीचे 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। अब ऐसे इधर भी देखो, ये अभी इसको वैसे लिख दो 12/13, और यहाँ पर 13/5 ये लिख दिया। अब इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, देखो अब इनके आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा दो, है ना, तो ये कितना बन गया 12/5, और नीचे जब इसको इसका एलसीएम 25 हो जाएगा, तो यानी 1 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 25 से करोगे, तो नीचे आपके पास 25 हो गया, और यहाँ पर कितना
25 प्लस 144 और इधर ये इक्वल है आपका, है ना, माइनस नहीं, इक्वल हो गया इधर 12 अपॉन में 13 और नीचे 13 अपॉन में 5 हो गया। अब देखो इन दोनों को आप प्लस कर लो, फिर से एक बार लिखो यहाँ पर, हर बार लिखते जाना बड़ा बड़ा। देखो इन दोनों को जब आपने प्लस कर लिया तो हो गया 169 और नीचे हो गया आपके पास 25, इधर भी देख लो 12 अपॉन में 13, इधर 13 अपॉन में आपके पास 5 मिल गया आपको। दोनों को अलग अलग करके लिख लो, देखो अब इसको ये हमारे पास अलग अलग करके लिख लो, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, तो ऐसे यहाँ समझ लो, नीचे समझ लो। अब इसको इधर वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग, तो यहाँ लिख लो आप LHS हमारे पास कितना है 12 अपॉन में 5 और नीचे के नंबर को जब ऊपर दूसरी तरफ करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो नंबर चेंज हो जाता है, यानी 25 अपॉन में 169 हो गया। देखो 5 1 5 और 5 5 25 मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 हो गया आपके पास, यहाँ लिख दे रही हूँ 12 5 60 और नीचे हो गया 169। एक का तो ये आंसर निकला है, देखो अभी कटेगा नहीं इसके आगे, है ना। अब इधर देखो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, RHS कितना था हमारे पास 12 अपॉन में 13 और नीचे 13 अपॉन में 5, इसको भी जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13 इंटू 5 अपॉन में, ये उल्टा चला गया तो 5 अपॉन में 13, 12 5 जा हो गया आपके पास 60 और 13 जा होता है 169। देखो ये दोनों सेम हो गए ना, ये वाला और ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, मैं जल्दी जल्दी सारे वीडियो डाल दूंगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।